पूजनीय संत समाज, सम्माननीय सज्जनों एवं देवियों, हमारे जीवन में आत्मसंतुलन ही सुखी जीवन का राज है। अपने आप को संतुलित बनाए रखना, किसी भी विकार में, किसी भी आदत में हम इस प्रकार से ना फंसें कि जिससे हमारी स्वस्थता नष्ट हो जाए, हम अपने आप में ना रह जाएं। अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखना ये तभी संभव है जब हम अपने मन इंद्रियों पर, अपने विचारों पर और अपने स्वभावों पर कंट्रोल रखेंगे, और इसके लिए पूर्व तैयारियां चाहिए। जब तक हम अपने आप पर संतुलन नहीं रखेंगे, चाहे जितना बाह्य उपलब्धियां हमारे पास इकट्ठी हो जाएं, चाहे जितने हमारे लोग प्यारे प्यारे लोग हों, और चाहे जितनी बड़ी धन की, जन की तथा अन्य कोई भी शक्ति इकट्ठी हो जाए, हम सुखी नहीं हो सकते। आत्मसंतुलन का मतलब ये है काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि के वशीभूत ना होना। जो व्यक्ति इन विकारों के वशीभूत हो जाता है, फिर संतुलन कहाँ? वो मन की धारा में बह गया, वो विषयों के वेग में अपने आप को संभाल ना सका। तो यहाँ पर आज हम विचार करेंगे कि आत्मसंतुलन का प्रथम सोपान क्या है। क्रोध, सबके अंदर अनेक मनोविकार हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह अनेक प्रकार के, और इनको कहा गया है कि ये नरक के द्वार हैं। नरक, नरक क्यों है? क्योंकि ये जीव के स्वरूप के विपरीत कार्य करते हैं। हमारी जो अंदर से मांग है, हमारी जो आवश्यकता है और हमारा जो अपना नैष्ठिक स्वरूप है, उसके विपरीत अपनी उपस्थिति जाहिर करना और उसके प्रतिकूल भाव व्यक्त करना, यही है मनोविकारों का काम। और ये काम, क्रोध जब भी आते हैं, व्यक्ति अपने आपे से बाहर हो जाता है। कभी भी नहीं देखा गया है कि अमुक व्यक्ति काम वासना में पड़ करके पूर्ण प्रसन्नता, निर्भयता, निश्चिंतता का अनुभव किया हो। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं होता है जो क्रोध करके खूब आनंदित, प्रसन्नचित्त होता है और दूसरों को भी खूब निश्चिंत, निर्भय तथा प्रसन्न कर देता है। इसी प्रकार लोभ और मोह में, तो ये मनोविकार को कहा गया है नरक के द्वार। तो इसमें आज हम क्रोध पर विचार करते हैं कि क्रोध हम ना करें। अब क्रोध को कैसे जीतें? क्रोध को जीतने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, अनेक ढंग से चर्चा की भी जा चुकी है और संतों गुरुजनों ने बहुत विषयों और उदाहरणों को माध्यम बना करके अनेक ढंग से इस पर चिंतन दिया है। लेकिन आज हम थोड़े से कुछ मुद्दे रख करके अपनी बातें इस पर कहना चाहेंगे कि और कुछ अगर ना भी कर सकें तो हम इन छह परिस्थितियों में अपने आप को संतुलित बनाए रखें। सबसे पहली बात है कि सुबह के समय क्रोध ना करें। क्रोध आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यही ध्यान होना चाहिए कि सुबह सुबह बिस्तर से जब आप उठें तो उसके एक घंटे बाद तक आप क्रोध ना करें। जब आप एक घंटे तक अपने आप का संतुलन बनाए रखेंगे, किसी से झुंझलाकर नहीं बोलेंगे, किसी पर क्रोध नहीं करेंगे और प्रसन्न चित्त रहेंगे और कहीं विवाद कलह में नहीं फंसेंगे, तब आपको लगेगा कि जब मैं एक घंटा अपने आप को इस ढंग से निर्विकार बनाए रख सकता हूँ तो अगले घंटे में भी मैं क्रोध को जीत सकता हूँ। ये एक घंटे का क्रोध पर विजय आपके अन्य 23 घंटे पर भी विजय का कारण बन जाएगा। इसलिए सुबह हम एक घंटा क्रोध ना करें।
सबसे पहली बात। दूसरी चीज है कि क्रोध पर विजय पाना ही है, आप भजन करना चाहते हैं तो पूजा पाठ करते समय क्रोध ना करें। आप मंदिर में गए हैं, सत्संग में गए हैं, आश्रम में गए हुए हैं, अथवा घर में अपने ही पूजा घर में बैठ करके पूजा करने जा रहे हैं, ऐसे समय में कोई भी हानि हो जाए, कोई आपको कटु कह दे या और किसी भी ढंग से आपके क्रोध आने की संभावना है, तो भी सावधान रहें कि हमारे मन में क्रोध नहीं आने देना है। तो जब आप पूजा के समय में सावधान रहेंगे, आधा घंटा, 10 मिनट, 1 घंटा, जो भी हो, तो वह क्षण आपको बहुत प्रसन्नता और सुकून देगा, मनोविकारों से बचाए रख सकेगा, और फिर ये बचाव, ये संतुलन, आत्मविजय फिर आपको अगले समय पर स्वस्थता प्राप्त करने के लिए बहुत बड़ा संबल बनेगा। तीसरी चीज है, आप खाते समय क्रोध ना करें। आप भंडार घर में गए हुए हैं, भोजन आपके सामने आ गया है, चुपचाप जो भी आया हुआ भोजन है उसको प्रसन्नता पूर्वक भगवान का प्रसाद समझ करके ग्रहण कीजिए। जो भोजन आपको मिला हुआ है, यही ध्यान रखें कि वो खाद्य हो, पवित्र हो, सुपाच्य हो, शरीर के लिए अनुकूल हो, बस इतना ही ध्यान रखें। अगर किसी ढंग से प्रतिकूल है तो बता दीजिए प्रसन्नतापूर्वक कि ये चीज़ मेरे अनुकूल नहीं है और उसको मत खाइए, लेकिन क्रोध मत कीजिए। भोजन करते समय आप क्रोध ना करें, इससे आपका मानसिक जगत बहुत व्यवस्थित होगा, मनोबल बढ़ेगा, और दूसरी बात, आपका एक एक छोटा छोटा काम भी ये पूजा बन जाएगा। इसलिए क्रोध पर विजय करना है तो भोजन के समय क्रोध ना करें। अक्सर लोग ऐसे समय में ही तो क्रोध कर जाते हैं और ये उनकी बहुत बड़ी हार है, और ऐसे खास समय में जब क्रोध करते हैं फिर यही हार उनके पूरे 24 घंटे बनी रहती है, क्योंकि उनके मन अनुकूल नमक नहीं पड़ा, चटनी नहीं मिली, अचार नहीं मिला, मिठाई नहीं मिली, घी दूध दही नहीं मिला, और क्रोध कर बैठे, घर में झगड़ा हो गया और झुंझला गए, पूर्ण अशांति मन में आ गई, घर परिवार में आ गई, और सब समय उनका खराब हो गया। इसलिए साधक को यह ध्यान रखना चाहिए कि खाते समय क्रोध ना करें। तो इस प्रकार से हम अपने आप पर स्वस्थता प्राप्त करें। दूसरी चीज है, घर से बाहर जाते समय क्रोध ना करें। जब आप कहीं बाहर जाना चाहते हैं, घर से बाहर निकलना है, तो ऐसे समय में क्रोध ना करें। किसी भी कार्य को करते समय कहीं जा रहे हैं तो क्रोध ना करें। ये क्रोध ऐसे समय में हम अपने मन को कैसे विपरीत बना लेते हैं, इसलिए खाते समय क्रोध ना करें। पांचवी चीज है, बाहर कार्य क्षेत्र से आओ तब भी क्रोध मत करो। बाहर से आप आ रहे हैं, खेत से आ रहे हैं, ऑफिस से आ रहे हैं, दुकान से आ रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, और आते ही विपरीत वातावरण, किसी ढंग से कुछ मिला और बच्चों से, पत्नी से, घर वालों से, माता पिता से बस झुंझला गए, और ये बहुत बड़ा आपके मन में एक प्रतिघात आ गया। इसलिए ज़रूरत है कि आप ये सावधानी रखें कि बाहर से जब आप आएं तो क्रोध पर विजय प्राप्त करें, उस समय क्रोध ना करें। छठी चीज है कि आप अगर अपने आप का संतुलन बनाए रखना चाहते हैं तो सोने के पूर्व क्रोध ना करें। जब आप दिन भर अपने कार्य व्यवहार से निवृत्त होकर के खा पी करके विश्राम करने जा रहे हैं, तो ऐसे सोने के समय, सोने के पूर्व आप क्रोध मत करिए। जब आप इस प्रकार से सोने के समय में प्रसन्न चित्त होकर के आत्मस्वस्थता पूर्वक
प्रसन्नता पूर्वक अपना व्यवहार करते हुए बिस्तर पर जाएंगे और शांत चित्त से सो जाएंगे, बिना किसी प्रकार की झुंझलाहट, उत्तेजना, तनाव, विकार के आप आराम से सोएंगे, तो यही आपकी निश्चिंतता, यही आपकी मनोविकारहीनता, ये आपके मन मस्तिष्क में बहुत बड़ी रूहानी ताकत, आत्मिक रोशनी भरेगी और यही सबसे बड़ी आपकी शक्ति होगी। इसलिए भजन, यही तो सच्चा भजन है। भजन करने के लिए हमें इन 5-6 दोषों का त्याग करना चाहिए। पहली बात, हम ख्याल रखें कि सुबह के समय क्रोध ना करें, पूजा पाठ करते समय क्रोध ना करें, खाते समय किसी से क्रोध ना करें, घर से बाहर जाते समय आप कहीं जा रहे हैं क्रोध करके, झगड़ करके ना जाएं, और घर में बाहर से आते समय क्रोध ना करें। शांत चित्त होकर के बाहर से आप आए हुए हैं, घर में हंसे बोले, खेलें, खाएं, लेकिन क्रोध ना करें। और अंततः हम सोने के पूर्व क्रोध ना करें। अक्सर यही होता है कि सोने का समय आया है, खा पी लिए हैं और किसी बात को लेकर के बच्चे से, पत्नी से, पिता से और भी किसी घर वाले सदस्य से बस जा कर के हम क्रोध के वशीभूत हो जाते हैं, उत्तेजित होने लगते हैं और मन में अशांति आ जाती है। वही अशांति का मवाद भर करके अपने मन में हम बिस्तर पर जाएंगे, सोएंगे, फिर उसी का विकार लेकर के रात भर हम रहेंगे और फिर सुबह वही बीज संस्कार लेकर उठेंगे, तब हमारा सोना और जागना दोनों तो दूषित हो जाएगा। इसलिए साधक अगर सच्चा भजन करना चाहता है तो अगर वो पूर्ण तरह से अपने स्वभाव को, अपने दोषों को जीतना चाहता है तो और कुछ कर सके या ना कर सके, 2400 घंटे आत्मस्वस्थता ना प्राप्त कर सके, अपने मनोविकारों को न जीत सके, आत्मसंतुलन ना रख सके, तो कम से कम इन 6 बातों का ध्यान रखना चाहिए। सुबह के समय क्रोध ना करें, पूजा पाठ सत्संग भजन करते समय क्रोध ना करें, भोजन के समय क्रोध ना करें, घर से कहीं जा रहे हैं तो क्रोध करके ना जाएं, बाहर से आप घर आ रहे हैं तब क्रोध ना करें और सोने के पूर्व क्रोध ना करें। इस प्रकार इन 6 बातों का जो ख्याल रखता है वो आत्मस्वस्थता, आत्मशांति और अपने मानसिक स्थिति को आप ठीक बनाए रखना चाहते हैं, तो इस प्रकार से सुखी जीवन का यही राज है और यही सच्चा भजन है। हमें अपने जीवन को इस ढंग से बनाना चाहिए। बस अपनी बातें यहीं पर मैं समाप्त करता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय।